हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट एंड गाइज ईयर वी अब द ऑल न्यू 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट आपके सामने खड़ी हुई। VXI ऑप्शनल इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके सामने खड़ी हुई है। कम पैसे में सारे फीचर्स इसमें आपको ऑफर हो जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विफ्ट VXI ऑप्शनल, आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, डायमिशन, वेट, सेफ्टी फीचर्स, प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट, इंजन में पॉइंट टॉक क्या मिलता है, हर एक बात डिटेल में करने वाले हैं। चैनल पर नहीं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन में छपाने के लिए वाराणसी नहीं भाई से बिलोंग करते, बिल्कुल आप वाराणसी मोटर्स पे आ सकते हैं भाई। शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पर शेयर होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम बिना देरी के डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं गाइस। की से तो कुछ ऐसी की यहाँ आपको मिल जाती है अपनी स्विफ्ट में। यहाँ पर आपको सुजुकी ब्रांडिंग मिलेगी, 2 बटन्स मिल जा रहे हैं अपने लॉक अनलॉक के। एंड गाइस प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की बात करते हैं तो स्विफ्ट ऑफर होती है 18 वेरिएंट एंड 10 कलर ऑप्शन के साथ। प्राइसिंग की बात करेंगे तो बेस मॉडल से स्टार्ट होती है भाई 6.5 लाख रुपये और टॉप मॉडल तक भाई देखते हैं तो चली जाती है ये 9.59 लाख रुपीज। एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं। एंड VXI ऑप्शनल मैनुअल ट्रांसमिशन आपको कॉस्ट करने वाली है 8,60,000 ऑन रोड एंड 7,56,000 रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी। एंड गाइस जो ऑन रोड प्राइस है वो बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वैरी कर सकती है। एंड फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं भाई, कुछ ऐसी लुक मिल जाती है भाई। एक चीज़ इग्नोर करिएगा डस्ट वगैरह जो थोड़ा सा है, क्योंकि भाई गाड़ी खड़ी हुई है मेन एकदम रोड पर, काफ़ी सारा डस्ट इस पर एब्जॉर्ब हुआ है तो इसको आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा। एंड गैन इस उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कुछ ऐसा आपको विंडशील्ड एरिया मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 मैनुअल वाइपर्स मिल जाते हैं और उसके बाद गाइज यहाँ पे अगर आप हुड देख रहे हैं ना, कुछ ऐसी हुड मिल जा रही है। एंड ये कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है और डस्ट को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। एंड फ्रंट प्रोफाइल में गाइज इतनी प्रीमियम लुक आती है ना, बेस मॉडल से काफ़ी बढ़िया एज ए स्टैंडर्ड आपको पियानो ब्लैक में इंसर्ट में ग्रिल मिल जाती है जो कि काफ़ी सही लगती है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो अपने को सुजुकी ब्रांडिंग इसकी भाई अपर बम्पर पे देखने को मिल जाता है। एंड हेडलाइट की अगर बात कर लेते हैं तो सिंगल यूनिट में प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप मिलता है। टर्न्स में आपको हैलोजन मिलेगी, हैलोजन में भी लाइट आती है। एंड ये क्रोम इंसर्ट सीधा देखने को मिल जाती है। टॉप एंड मॉडल में वहाँ पे आपको DRL देखने को मिल जाता है भाई। एंड उसी के बाद गाइस नीचे आ रहे थे, यहाँ पे आपको टोइंग हुक की सेटअप मिलेगा, फॉग लैंप की पेसलेंट यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती है भाई। कैसी लग रही है प्रोफाइल कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड यहाँ पे आप लोअर ग्रिल देख रहे हैं तो भाई ये आपको नॉर्मल डिसेंट सा ही देखने को मिलता है, कोई भी पार्किंग सेंसर फ्रंट में नहीं मिलते हैं। और साइड प्रोफाइल से आ रहे हैं तो ये है प्रोडक्ट की अपनी राइट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे गाइज अपने को रिम व्हील ऑफर होते हैं, व्हील कैप मिल जाता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। टायर प्रोफाइल की अगर बात कर लेते हैं ना तो 165/80 सेक्शन टाइम मिलेंगे विद 40 इंचेज ऑफ रिम व्हील। वैन गाइज यहाँ पे आपको बॉडी कलर, डोर हैंडल्स, रिक्वेस्ट सेंसर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल भाई यहाँ पे आप देखते तो ये आता है और ये ऑटोमेटिक है भाई। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई, बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, बीडिंग पोस्ट आपको ब्लैक आउट में मिलेगा, रियर में ड्रम ब्रेक, फ्रंट में डिस्क ब्रेक आ रहा था, ये पार्ट आपको पियानो ब्लैक में काफ़ी बढ़िया समय मिलता है। ये है इसकी रियर प्रोफाइल, ऊपर आपको रेडियो एंटीना, डिफॉगर, वाइपर मिसिंग है, हाई मॉडल स्टॉप लैंप, बाकी गाइस सुजुकी स्विफ्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है। टेल लैंप की अगर बात कर लेते हैं ना, ब्रेक लाइट आपको LED मिलेगी, बाकी रिवर्स लाइट, टर्न सिग्नल, हैलोजन मिल जाते हैं। नीचे आप देख रहे हैं तो 4 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको 9 पॉक्स रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, ये था भाई इसका ओवरऑल रियर प्रोफाइल। एंड बूट स्पेस अगर ओपन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, कुछ ऐसी यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जा रही है। गाइस नंबर्स में बात करेंगे तो 265 लीटर की बूट स्पेस है, यहाँ पे आपको मिल जाता है लगेज कैरी करने के लिए होल्डर, इसी के नीचे स्पेयर भी की प्लेस मिलेगी, सीट्स अपने को फिक्स मिलती हैं, ऊपर पूरी कवरिंग आ जाएगी, पार्सल ट्रे मिल ही रहा था भाई, करते हैं क्लोज। ये थी इसकी रियर प्रोफाइल। एंड एक बार मैं आपको इसके लेफ्ट साइड प्रोफाइल भी दिखाई देता हूँ। सुबह लेफ्ट साइड रियर फेंडर पर आपको फ्यूल लोड मिलेगा, 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। ड्राइवर के साथ साथ को ड्राइवर साइड भी अपने को रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, बाकी ऑटोमेटिक पूरी वॉर्मअप है। ये थी भाई इसके ओवरऑल वॉक अराउंड। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना, सबसे पहले डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो व्हीकल की जो ओवरऑल आपको लेंथ मिलती है वो आपको 3860 mm की मिलेगी, 1735 mm की वेथ मिलेगी, हाइट 1520 mm की मिलेगी, 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, 2450 mm की व्हील बेस, 920 kg तक की कॉर्बेट आ रही है। उसी के साथ साथ एज ए स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको 6 एयरबैग बेस मॉडल से ही देखने को मिलेगा। उसी के बाद ABS, CVD, सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर वार्निंग, इंजन इम्प्लॉयज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट, जैसे काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जा रहे हैं। आइसोफिक्स साइड सीट माउंट भी यहाँ पे मिल जाते हैं भाई, हिल सीट्स वगैरह भी आते हैं। अब चलेंगे इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें मिली। सबसे पहले हम लोग ड्राइवर साइड चलेंगे, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर, बॉडी कलर, डोर हैंडल, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कुछ ऐसा गाइस यहाँ पे आपको डोर पैनल मिल जाता है, पूरा ही ब्लैक आउट में चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगी, प्रीमियम वाली फील मिल जाती है, फैब्रिक फिनिश में, हार्ड प्लास्टिक, लीवर्स क्रोम में आ रहे हैं, चारों पावर विंडो कंट्रोल, ड्राइवर साइड ऑटो, डोर लॉक अनलॉक का बटन, यहीं से 40 सेफ्टी लॉक होता है। एंड ये भाई अपना ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करेंगे, फोल्ड करेंगे। स्पीकर पे इसमें बॉटल होल्डर्स मिल जा रहे हैं। गाइस कुछ ऐसा काफ़ी बढ़िया सा इंटीरियर मिल जाता है आपको, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है डिफॉगर, एसी वेंट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, यहाँ पे एडल स्टार्ट हो, हेडलाइट स्टेबलाइजर, नीचे आपको डेट पैडल्स मिल जाते हैं, फैब्रिक अपहोस्ट्री में सीट्स मिलती हैं, सीट हाइट एडजस्टमेंट इसमें नहीं आता, हेडरेस्ट 2 हैं, दोनों एडजस्टेबल हैं,
अब चलते हैं गाइस इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें ऑफर हो रहे हैं। सो गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल यहाँ पर आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है अपने स्विफ्ट में। ये इसकी VXI ऑप्शनल वेरियंट रहने वाली है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करेंगे तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है। यहाँ पे आपको टैकोमीटर, बीच में स्पीडोमीटर एंड एक डिस्प्ले मिलता है जहाँ पे आपको रियल टाइम फ्यूल गेज, ओडोमीटर, हर एक चीज़ व्हीकल की रिगार्डिंग मिल जाती है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह। तो उसके बाद गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे काफ़ी बढ़िया अपने को नॉर्मल 3-स्पोक डी कट स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पूरी इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल मिलेगी, सुजुकी की ब्रांडिंग। एडजस्टमेंट को देख लेते हैं तो भाई ये टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आ रही है। एंड टॉगल्स को देखेंगे राइट साइड में हेडलाइट कंट्रोल, लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल है। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 7 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को। एंड ये भाई थोड़ा सा टिल्ट है ड्राइवर साइड की तरफ जिससे विजिबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया हो जाता है। यहाँ पे AC वेंट्स, हैजार्ड का बटन, ऑटो AC मिल जाता है भाई, बढ़िया बात। यहाँ पे आपको USB पोर्ट, यहाँ पे आपको पावर सॉकेट मिलेगा, कप होल्डर एंड गाइस 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। कुछ 80 गियर लीवर मिलेगी एंड यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक प्लेसमेंट, बाकी गाइस काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर्टन डिज़ाइन मिलता है। ग्लोव बॉक्स में कुछ ऐसा आपको इधर डिज़ाइन मिल जाता है। ऊपर आप देख रहे हैं तो भाई मैनुअल डेनिम IRVM लाइट्स आपको ऊपर हैलोजन मिलेगी, सनवाइजर ड्राइवर साइड टिकट होल्डर साइड को ड्राइवर साइड देख रहे हैं तो भाई वैनिटी मिरर के साथ मिलेगा। हैंडल ऊपर आपको मिलता है सॉफ्ट क्लोज, बीच कलर का पूरा रूफ आता है। बाकी गाइस काफ़ी प्रीमियम सा इंटीरियर मिलता है एंड ये जो आपको भाई इसका क्लस्टर मिलता है ना काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के साथ एंड लॉग में आ जाता है। बाकी इंटीरियर में यहाँ पे आप पियानो ब्लैक इंसर्ट्स वगैरह देखेंगे, फील आने वाला है नियर बाय डीलरशिप पे। अगर वाराणसी नियर बाय से बिलोंग करते हो तो वाराणसी मोटर पे आके प्रोडक्ट को चेकआउट करिए, अच्छी लगेगी आपको। बाकी हर एक चीज़ में गाड़ी अच्छी है भाई। अब चलते हैं इसके सेकेंड रूम में और देखते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ अपने को मिलनी है, कैसी स्पेस वगैरह देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे भी आपको बॉडी कलर, डोर हैंडल्स, ये सब देखने को मिल जाता है भाई। एंड इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा, हाँ। एंड गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इधर आपको हार्ड प्लास्टिक मिल रहा है और क्रोम इंसर्ट्स में इधर भी आपको लीवर्स मिल जाते हैं, पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पे बॉटल होल्डर मिलेगा। एंड गाइस केबिन स्पेस काफ़ी अच्छी मिलती है। बाहर से एक बार आपको लग सकती है गाड़ी दिखने में छोटी लेकिन अंदर स्पेस तगड़ा मिलता है। हेड रेस्ट वगैरह यहाँ पे फिक्स्ड मिलेंगे और सेंटर में थोड़ा सा आपको हम्प ज़्यादा मिलता है भाई, सेंटर पैसेंजर को पैर इधर उधर करना पड़ेगा। हैंडल आपको मिल जाता है दोनों ही तरफ। स्पेस को देख लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया नई रूम है, लेग रूम फोटो भी सही है, अंदर थाई सपोर्ट इज डिसेंट। एंड कहीं अगर हेडरूम की बात करेंगे ठीक सा हेडरूम आ जाता है भाई। पीछे पार्सल ट्रे वगैरह देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पर आपको एक कप होल्डर मिल जाता है, सही है भाई। फैब्रिक सीट्स है, फ्लैट सीट आती हैं, 60-40 स्प्लिट सीट नहीं है, 6 एयरबैग टोटल आ ही रहते भाई। अब चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या इसके इंजन में पावर एंड टॉक मिलता है। फटाफट से गाइस इसका जो इंजन भी है वो इसलिए हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं। सो गाइस इंजन भी ओपन करने में कुछ ऐसा सीन मिल रहा है। यहाँ पे आपको भाई इंसुलेशन पैड देखने को मिल जाता है, इधर आपको फ्यूल पंप प्लेसमेंट मिलेगा, बैटरी प्लेसमेंट। एंड गाइस ये भाई अपना जेट इंजन, यहाँ पे आपको वाइपर की वॉशर की फ्लूइड सेटअप मिलेगी, कूलन का सेटअप। एंड इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 1197 cc 3 सिलेंडर BS6 Phase 2 इंजन मिल जा रहा है, जहाँ पे मैक्स पावर आपको 80.46 BHP की मिल रही है, 5700 RPM पे, 111 NM टॉर्क मिल रही है, 4300 RPM पे। गाड़ी की माइलेज 25 किलोमीटर पर लीटर तक की आपको मिल जाएगी एंड 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आ रही थी भाई। सो गाइस ये थे भाई अपनी मारुति सुजुकी VXI ऑप्शनल की डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ सब लोग को इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, क्या फीचर्स मिले थे, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन वेट हर एक चीज़। एंड गाइस ये गाड़ी आपको 8,60,000 तक ऑन रोड कॉस्ट करने वाली, ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंस सिटी स्टेट में वैरी कर सकती है। बाकी गाइस गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, रीसेल वैल्यू भी सही है, मेंटेनेंस भी कम है, सर्विस कॉस्ट भी कम है, ठीक है भाई। बाकी गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी इसको लाइक करेगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।